अमृतसर देहाती पुलिस के एसएसपी ध्रुव धाइया की ओर से नशा तस्करों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत 4 नशा तस्करों की प्रॉपर्टी को फ्रीज कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक वरिंदरजीत सिंह उर्फ काका और जगरूप सिंह, जो कि अमरीक सिंह के बेटे हैं, और राजाताल घरिंडा थाना में इनके खिलाफ NDPC एक्ट के तहत मामला दर्ज है। इनसे 300 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी और उनके खिलाफ NDPS का मामला दर्ज कर लिया गया था। बाद में इसी मामले में इनके पास से 12 किलोग्राम हेरोइन रिकवरी की गई। उन्होंने इस पैसे से जमीन खरीदी थी और पिता अमरीक सिंह और माता कश्मीर कौर के नाम पर 15,41,000 रुपये की FD कराई थी। इसे भी फ्रीज कर दिया गया है। दूसरा मामला शमशेर सिंह उर्फ शेरा पुत्र नानक सिंह निवासी भैनी राजपूता घरिंडा का है। इसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। अजनाला थाना में इनके खिलाफ मामला दर्ज है। NDPC एक्ट के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इनसे 7.5 किलो हीरोइन बरामद की गई थी और इन्होंने नशा बेचकर 5 मरले जमीन खरीदी थी और उस पर घर बनाया था, जिसकी कीमत 17,65,000 रुपये है। इस प्रॉपर्टी को भी फ्रीज कर दिया गया है। तीसरा केस तेजवीर सिंह उर्फ काका पुत्र संतोख सिंह निवासी राजाताल का है। घरिंडा थाना में इनके खिलाफ मामला दर्ज है। इनके पास से 12 किलो हेरोइन बरामद की गई थी। नशा बेचकर इन्होंने भी राजाताल में एक घर बनाया, जिसकी कीमत 29,20,000 रुपये है। इनसे एक स्वराज ट्रैक्टर भी खरीदा, जिसकी कीमत 5 लाख रुपये है। इसे भी पुलिस की ओर से फ्रीज कर दिया गया है। चौथा मामला हरबेज सिंह पुत्र धर्म सिंह और मंजीत कौर पत्नी धर्म सिंह निवासी बाबेदा लोहारका रोड थाना कंबू में मामला दर्ज है। इनके पास से 260 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। इन्होंने नशा बेचकर अपने गांव लोहारका कला में अपनी बहन सुनीता कुमारी के नाम पर एक घर बनाया था, जिसकी कीमत 36,85,000 रुपये है। इस प्रॉपर्टी को भी पुलिस की ओर से सील कर दिया गया है। SSP ध्रुव दहिया का कहना है कि उक्त नशा तस्करों की कुल 1,04,40,000 रुपये की प्रॉपर्टी फ्रीज की गई है। अमृतसर देहाती पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। उन्होंने कहा कि नशा बेचने वाले किसी भी तस्कर के साथ पुलिस की ओर से नरम रवैया नहीं अपनाया जाएगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब सरकार भी यही चाहती है कि नशे का खात्मा जड़ से किया जाए। इसी के तहत नशा तस्करों की प्रॉपर्टी को फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।